आपके भी ड्रीम्स रहे होंगे कि कॉलेज में जाके ये करेंगे वो करेंगे, एक इमेज होती है हमारे दिमाग में कॉलेज की। मेडिकल स्कूल में जब आप आए फाइनली वीएमएमसी में स्टेप इन की आपने, तो वो जो ड्रीम्स थे वो फुलफिल हुए या ब्रेक हुए? मैंने सोचा था कि नीट के बाद थोड़ा को करिकुलर जैसे गिटार वगैरह सीखना है या यूट्यूब चैनल खोलूंगी, सोचा तो बहुत कुछ था, पर पता नहीं लेजीनेस या किसी चीज पर रह गया, अभी तक नहीं हुआ है। मे बी इन फ्यूचर कर लूँ कुछ। और एज ड्रीम्स में ऐसा इंजॉय वगैरह करना वो तो कॉलेज में हो ही जाता है, कोई ना सोच के भी आया हो तो। तो भी हो जाता है, राइट। एज पर्टिकुलर कोई हायर ड्रीम नहीं था कि था कि अच्छा, बस थोड़ा जो पढ़ाई सा चल रहा था 11-12 में वो चीज़ नहीं होगी, एंजॉय भी करना है साथ साथ में। राइट। तो अब मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है एमबीबीएस में आने के बाद भी, अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसे पढ़ना राइट है कितना पढ़ना है। राइट अगर नहीं पढ़ रहा है रोज़ की रोज़ तो भी बच्चा एंड में पढ़ के पास हो सकता है, राइट और अगर कोई बच्चा डेली पढ़ रहा है फिर भी एंड में जाके दोनों के सेम मार्क्स आएंगे, बराबर राइट मार्क्स राइट आएंगे, राइट तो ये नॉलेज कितनी गेन करनी है उस पर डिपेंड करता है। तो इतना नहीं पढ़ना होता जितना नीट टाइम में पढ़ना होता है, राइट दिन का 1-2 घंटे पढ़ लो, ये भी बहुत होता मतलब है, काफी निकल होता लेंगे तो है। ये भी नहीं पढ़ते निकल बच्चे। आप कितना पढ़ती हैं? मतलब ऐसा है कि मैं बीच में नहीं पढ़ूंगी एग्जाम से पहले, बहुत ज्यादा पढ़ूंगी या रोज मैं पढ़ते हो? डेली मतलब हर टाइम तो नहीं पढ़ती, पर डेली का ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट बुक खोल लूँ, कि अच्छा ये ना हो कि आज मैंने बुक ही नहीं खोली, तो अच्छा बुक राइट खोल लेती हूँ कि क्या क्या हुआ और ये देख लो राइट तो आप अभी डेली कुछ ना कुछ क्या टाइम चीज डिवोट कुछ। करती हैं स्टडीज को? हाँ, तो उससे एग्जाम्स में इजी हो जाता है एंड में। हाँ मतलब लास्ट टाइम स्ट्रेस नहीं आता, वो डिफरेंस रह जाता है, फिर अगर कोई बच्चा लास्ट टाइम में बुक्स खोल रहा है तो फिर वो स्ट्रेस उसका राइट, ज़्यादा मतलब जो रहता एंड है। में स्टूडेंट्स एक एक घंटे ही, दो दो घंटे ही वही सो वही पाते हैं, आप आराम से उस टाइम भी 7-8 घंटे की नींद ले लेते हो ज़्यादा तो नहीं कि पर हाँ थोड़ा सा सो के चली जाती हूँ मैं भी। हाँ थोड़ा उनसे ज्यादा। हाँ राइट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।